भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व विधायक जनार्दन मांझी का अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत पूर्व विधायक के पुत्र ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने शमशान घाट पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ के बीच अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व विधायक के सम्मान में शमशान घाट पर अंतिम विदाई के दौरान सलामी शस्त्र भी दी गई। बरारी सीढ़ी घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान बांका के जदयू सांसद गिरधारी यादव, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, नाथनगर से राजद विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, पीरपैंती से भाजपा विधायक लन पासवान, भागलपुर जदयू की जिला अध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, लोजपा जिला अध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल सहित बड़ी संख्या में सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। हम आपको बता दें, 78 वर्षीय पूर्व विधायक का मंगलवार को इलाज के दौरान पटना में निधन हो गया था। वो पिछले सप्ताह ही बौंसे स्थित अपने आवास पर बाथरूम में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना ले जाया गया था, जहां एक निजी अस्पताल में उन्होंने मंगलवार को अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को बौंसे स्थित उनके पैतृक आवास पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया। उसके बाद भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर पूर्व विधायक जनार्दन मांझी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया गया। जनार्दन मांझी लगातार 15 वर्षों तक विधायक रहे। 2005 में बांका जिला के बिलहर से और 2010-15 में अमरपुर विधानसभा से। अंतिम संस्कार के दौरान बरारी शमशान घाट पर पहुंचे नेताओं ने जनार्दन मांझी को जनसेवक करार देते हुए उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। शोक सलामी देगा, सलामत। पूरी श्रद्धांजलि हम लोग का है। हम लोग साथ में मिले भी थे, हम लोग लंबे दिनों से संपर्क था मेरा। हम लोग आमने सामने चुनाव भी लड़े, लेकिन जो राजनीतिक में जो विरोध और पक्ष होता है उसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्तर पर नहीं था। लोग सब मिलजुल कर बांका के विकास के लिए लगे रहते थे। हमारे आदरणीय जनार्दन मांझी जी बहुत दिन विधायक रहे और बहुत सेवा की है जनता का, और उसी में हम आए थे। उनके बेटा भी आज मंत्री हैं, जयंत राज जी। तो स्वाभाविक है कि उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें शामिल होने आए थे। ये बहुत ही अपूर्ण क्षति है हमारे इलाके, मेरा भी भागलपुर बांका जिला तो एक ही है, इसलिए ये हमारे जिला के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। हम उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। और सभी राजनीतिक दल के हम लोग सम्मानित विधायकगण, सांसदगण और सभी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक संगठन के लोग, उन लोग सदैव जनार्दन मांझी जी के दाह संस्कार से विदाई में हम लोग शामिल हुए थे। और अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक क्षति है और उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। बस उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग उनके बताए रास्ते पर, जो उनकी भावना थी, जिस रूप से समाज में सर्वांगीण विकास की वो लहर दौड़ाए थे, जिस सोच के साथ राजनीति में आए थे, उस पर हम लोग काम कर सकें, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम ईश्वर से हम सभी कामना करते हैं, ईश्वर उन्हें सदैव प्रदान करें। माननीय जनार्दन मांझी जी का देहांत ये पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो इस जदयू के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने जब कुछ नहीं था तब वो
उन्होंने शुरू किया। बांका के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, देलहर और अमरपुर से विधायक रह चुके हैं, और वो खास करके मेरे लिए ये व्यक्तिगत एक सदमा है, क्योंकि मुझे उनके सानिध्य में काम करने का बहुत मौका मिला। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही नेक विचार के, और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, और ऐसे इंसान को आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। और ये जदयू के लिए, जदयू परिवार के लिए और भागलपुर कमिश्नरी के लिए भी ये तो बहुत बड़ा क्षति है, इसको पूरा करना मुश्किल। देखिए, कल ही हम लोगों को इसकी सूचना मिली कि जनार्दन बाबू नहीं रहे। ये हम लोग के समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, इनकी भरपाई नहीं की जा सकती। आज आलम ये देखें कि लोग यहाँ पर कोई दल दल बल से उठकर सभी लोग आए हैं। इनके सरल स्वभाव के सभी लोग कायल थे, और ये जो समाज में पिछड़े, दलित या सवर्ण जो भी हैं, सभी को समाज में किस तरह से एक करके लेके चलना है, कोई इनसे सीखे। शोक सलामी देगा, सलामत। राम नाम सत है, हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत है, हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत है, हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत है, हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत है, हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत है, हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत है, हर कहो जी हर कहो, राम नाम नाम सत है, राम 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 नाम सत है। पूरी श्रद्धांजलि हम लोग का है, इन्होंने हम लोग साथ में मिले भी थे, हम लोग लंबे दिनों से संपर्क था मेरा, हम लोग आमने सामने चुनाव भी लड़े, लेकिन जो राजनीतिक में जो विरोध और पक्ष होता है उसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्तर पर नहीं था। लोग सब मिलजुल कर माता के विकास के लिए लगे रहते। हमारे आदरणीय जनार्दन मांझी जी बहुत दिन विधायक रहे और बहुत सेवा की है जनता का, और उसी में हम आए थे। उनके बेटा भी आज मंत्री हैं, जयंत राज जी, तो स्वाभाविक है कि उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें शामिल होने आए थे। ये बहुत ही अपूर्ण क्षति है हमारे इलाके, मेरा भी भागलपुर बांका जिला तो एक ही है, इसलिए ये हमारे जिला के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। हम उनकी आत्मा को शांति मिले, और इस दुख के घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं।